ओके सो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी A50 के बारे में। अब यहां पर सैमसंग के A50 को लेकर के काफ़ी सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन था कि भाई इस स्मार्टफोन के लिए जो एंड्रॉयड 12 का अपडेट है वो रिलीज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है ऑफिशियली जो लॉन्च हुआ था वो एंड्रॉयड 5 पर हुआ था, एंड सैमसंग की उस जो अपडेट पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। एंड रिसेंटली जो अपडेट पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें अपडेट पॉलिसी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर उस टाइम पर सैमसंग 2 मेजर ऑफ अपडेट अपने मिड रेंज और फ्लैगशिप में रिलीज़ करता था, एंड यहाँ पर जो हमारा A50 है इसको ऑफिशियली एंड्रॉयड 5 पर रिलीज़ किया गया था, जहाँ पर कि जो इसका फर्स्ट मेजर ऑफ अपडेट था एंड्रॉयड 10 था एंड एंड्रॉयड 11 इसका सेकंड मेजर ऑफ अपडेट था। तो यहाँ पर दो जो मेजर ऑफ अपडेट मिले थे वो सैमसंग के गैलेक्सी A50 को ऑलरेडी मिल चुके हैं। दैट मीन्स यहाँ पर किसी तरीके का भी थर्ड मेजर ऑफ अपग्रेड की बारी नहीं रहती है, कोई चांस नहीं रहता है। बट यहाँ पर सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली जो है एक इंफॉर्मेशन आई है कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A50 है इसको थर्ड मेजर ऑफ अपग्रेड भी मिलेगा। अब इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे, पहले यहाँ पर थैंक्स करना चाहूँगा मैं मयंक का, बिकॉज उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पर जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करी, सो थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सैमसंग के बेसिकली जो कस्टमर केयर होते हैं जो असिस्ट करते हैं कि अगर आपकी कोई क्वारीज है या क्वेश्चन है, कुछ भी है, मतलब आपके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके स्मार्टफोन में, तो वो लोग जो है सॉल्व करते हैं उस चीज़ को। एंड यहाँ पर सैमसंग के जो असिस्टेंट होते हैं, सैमसंग के असिस्टेंट से हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका मैं नाम आपको बताया मयंक, उन्होंने पूछा कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A50 है इसको 1UI 3.1.1 का जो अपडेट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज उनको इस चीज़ का क्वेश्चन था कि इसको 3.1.1 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इसका रिप्लाई में बताया कि सैमसंग का जो अपडेट पॉलिसी है, बेसिकली कहा जाए तो सैमसंग के गैलेक्सी A50 को 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, जहाँ पर कि साफ जाहिर होता है कि 4 साल के अगर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलते तो एटलीस्ट हमें 3 मेजर ऑफ अपग्रेड यहाँ पर मिलने चाहिए। बिकॉज 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स में 3 मेजर ऑफ अपग्रेड सैमसंग प्रोवाइड करा रहा है अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को, और साथ ही में यहाँ पर जो ए सीरीज़ के लेटेस्ट ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं वहाँ पर भी 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स को ही बताया गया है, जहाँ पर कि उन स्मार्टफोन्स के लिए 3 मेजर ऑफ अपग्रेड कन्फर्म किए गए हैं। 4 साल में सैमसंग 3 मेजर ऑफ अपग्रेड प्रोवाइड कराता है एंड 4 साल के कंटिन्यूसली मतलब देखा जाए तो सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, और 4 UI अपडेट होते हैं, जो कि बेसिकली 1 UI वर्जन अगर आपका अपग्रेड होता है तो 4 साल तक में जो भी लेटेस्ट 1 UI वर्जन चलेगा वो भी अपडेट किया जाएगा। तो 1 UI 3.1.1 की तो बात ही नहीं है, वो तो डेफिनेटली सैमसंग के गैलेक्सी A50 के अंदर आने ही वाला है। एंड साथ ही में यहाँ पर यह भी चीज़ पता चली है कि सैमसंग के गैलेक्सी A50 को 1 UI 4 का भी अपडेट मिलेगा एंड साथ में एंड्रॉयड 12 का भी अपडेट मिलेगा। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट लिस्ट है वहाँ पर नाम इंक्लूड नहीं किया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो अब अपडेट होकर गया है वहाँ पर हो सकता है कि सैमसंग के गैलेक्सी A50 का जो नाम है वो इंक्लूड कर दें। बाकी देखते हैं, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बिल्कुल टर्न ऑन करके रखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।